स्टूडेंट्स जिनका तल्ल पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन से है या पॉलिटिकल सोशोलॉजी के डिसिप्लिन से है दे आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस नेम ऑफ थॉमस हॉब्स क्योंकि थॉमस हॉब्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी जो फ़िलासफ़ी है और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी बात करते हैं दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि जो भी फिलासफर अपने ज़माने के अपने वक्त के हालात के मुताबिक अपने नज़रियात पेश करता है उनकी जो रेलिवेंस है वो हमेशा बढ़ जाती है और उसके ख्याल के नज़रियात जो हैं वो आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर भी एक मिसाल के तौर पर ना सिर्फ पढ़ाए जाते हैं बल्कि उनकी अहमियत हमेशा अपनी जगह पर कायम रहती है सो so, थॉमसॉब्स का जो टाइम पीरियड है दैट वाज uh, 1588 टिल 1679 एंड ही एक्चुअली लिव्ड ड्यूरिंग द मोस्ट क्रूशल पीरियड ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड हिस्ट्री इस लिहाज से उनका जो टाइम पीरियड है वो इंटरेस्टिंग है कि वो तारीख़ के उस दौर को उन्होंने एक्सपीरियंस किया जब सिवल वॉर का टाइम पीरियड था और इंग्लैंड के अंदर ऐसे हालात बने हुए थे जहाँ पर आपस में माशरे के अंदर टसल थी लोगों के अख्तलाफा थे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो मुश्किल का सामना करना पड़ा उससे जो असरात मुरतब हुए उन लोगों के अंदर जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट के साथ हार्ड रियलिटीज़ का मैच हुआ उसमें उनकी फ़िलासफ़ीज़ पर वो रिफ्लेक्शन, नज़र आई जो उनके सिविल वॉर के हालात उनके माशरे की मुश्किल उनके नज़रियात के साथ मिक्सअप हो गई सो टू डिस्क्राइब दिस कॉन्फ्लिक्ट द मोस्ट जनरल ज अ क्लैश बिटवीन द किंग एंड एंड स्पेसिफिकली द ग्रुप्स दोज वर इन द फेवर ऑफ मोनार्की एंड प्रेफर द ट्रडिशनल अथॉरिटी ऑफ अ मोनार्क एंड द ग्रुप्स दोज वर इन द फेवर दट मोनार्क के पास यानी बादशाह के पास जो है ताकत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वही ऑल एंड ऑल होना चाहिए और इन कंपैरिजन जो दूसरा ग्रुप था उनका ये ख्याल था कि अथॉरिटी डिवाइडेड होनी चाहिए बादशाह और जो नुमाइंदे हैं लोगों के उनके दरमियान तो ये जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है इसके बारे में थॉबस थॉब्स ने अपने वक्त और हालात से सीखते हुए अपनी फ़िलासफ़ी में इसकी इंटरप्रटेशनस दी हैं बिकॉज एट दैट टाइम द डेवलपमेंट रिगार्डिंग

वो नहीं होनी चाहिए किंग के ऊपर भी कोई चेक जो है वो होना चाहिए बिकॉज हॉब्स लिव थ्रू अ टाइम विन इंग्लैंड एंड द इंग्लिश हिस्ट्री एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ हिज फिलासफी दैट वॉज अगेन कंसिडर्ड वेन ही वॉज एक्सपीरियंसिंग अ टर्म ऑयल इन हिज स्टेट सो अंडर दिस सिचुएशन वन हॉब्स प्रजेंटेड हिज परसपेक्टिव दे बिकेम कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई हॉब्स की फिलासफीज क्योंकि हॉब्स का ये ख्याल था कि जो ह्यूमन बींग है जो ह्यूमन माइंड है बेसिकली वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड और इंट्रस्ट बेस्ड है क्योंकि जहाँ जहाँ भी इंसान के अपने मफादात होंगे तो वो अपने रास्ते में अपने मफादात से टकराव रखने वाली किसी भी और फोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जहाँ इबन जहाँ पर थॉमस सॉब्स ने यह बात डिस्कस की कि मुनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर्स ना हो, वहाँ उसका ये भी ख्याल था कि अगर इंसानों के ऊपर कंट्रोल करना है अगर चेक रखना है कि सिचुएशन नॉर्मल रहे कंट्रोल में रहे तो फिर क्या उसके लिए क्या तरीक़ेकार हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो उसका ऐसा मेकनिज़म हो जिसमें हर किसी का शेयर ना हो बल्कि उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का फॉर्मूला जो है वो ह्यूमन नेचर को माइंड में रखते हुए क्रिएट किया जाए तो थॉमस हॉब्स की जो फिलॉसफीज़ हैं थॉमस हॉब्स का जो कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग डिस्कसिंग ह्यूमन नेचर रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर रिगार्डिंग द रोल ऑफ मुनार्क ये बहुत ज़्यादा इसमें सवाल भी हैं जो थॉमस हॉब्स के जवाब हैं उन पर बहुत सारे इतराज़ात भी हैं